लेडीज एंड जेंटलमैन स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हाई डोंट यू स्ट्रगल इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ यू विल हैव टू स्ट्रगल। पॉज अ टाइमली वर्ड मे लेवल योर स्ट्रेस एंड अ गुड वर्ड कैन हील ऑल द वर्ड्स किसी ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई थी कि अ बैड वर्ड मे स्ट्राइफ योर लाइफ अ क्रूल वर्ड मे रिक योर लाइफ A timely word may level your stress, and a good word can heal all the wounds. तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ड शब्द के पावर को देखिए किसी ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि गुड कम्युनिकेशन ऐसा होता है जैसे कि ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी पीने के बाद आपके शरीर में इतना एनर्जी आ जाती है कि आप आराम से सो नहीं पाते हैं बल्कि ताकत और ऊर्जावान हो जाते हैं एनर्जेटिक हो जाते हैं उसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग है जिससे इंसान को मौत से ज्यादा डर लगता है जिससे सांप के काटने इतना डर लगता है और आज उस की मैं 11 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा आई एम गोइंग टू शेयर यू 11 टिप्स एंड दिस 11 टिप्स विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड दिस विल बिल्ड योर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन लेडीज एंड जेंटलमैन तो इसको बिल्कुल आराम से देखिए एक-एक करके समझिए और बहुत प्यार से समझिए आपने बहुत ज्यादा गालियां दी होंगी उन नेताओं को जो आपको रैली में समोसा और पान के नाम पे बुला लेते थे और फिर आपको जो है कि जरा सुनो जरा सुनो जरा सुनो करके बोर करते थे आपने बड़ी गालियां दी होंगी उनको आप कहीं जाके ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे वो सामने वाला ऐसे चल रहा होता है और अपनी बातें कर रहा होता है और उसकी बात में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आता वहां पे भी आप उस इंसान को गाली देते हैं बहुत से बोलने वाले मिलेंगे आपको जो आपको बोर कर देते हैं बहुत से बोलने वाले मिलेंगे जो आपको समंदर की गहराई से ला शोर पर खड़ा कर देते हैं यही बोलने वालों के बीच बीच में डिफरेंस होता है दिस इज़ ऑल अबाउट क्योंकि बड़ी प्यारी लाइन कहीं पर लिखी हुई थी वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू स्पीक फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू स्पीक इंसान जो बुद्धिवान होता है बुद्धिमान होता है वो बोलता है क्योंकि उसके पास होता है कुछ बोलने को मूर्ख इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बोलना पड़ता है कम्युनिकेशन इज जस्ट अ वेरी पावरफुल एंड पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी पावरफुल जब जो है कि ओबामा ने उस वक्त बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लेके जैसे स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे और उन्होंने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एंड दैट सेंटेंस इज स्टिल आफ्टर हंड्रेड इयर्स सौ साल बाद भी आज वो याद किया जाता है और उसका एग्जाम्पल ओबामा ने भी दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया नाउ आई वॉन्ट टू से दैट यू नो आर मल्टीपल वर्ड्स दैट दैट यू नो मेड ओबामा ग्रेट स्पीकर जस्ट दैट इन दैट situation in that time martin luther the king said that you know i have a dream the so martin luther king ne kaha tha, i have a dream

आज की सबसे पहले टिप नंबर टिप टिप नंबर नंबर है ट्रिपल 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 पी। पी। पी का मतलब क्या है जरा गौर से सुनिए और समझिए फर्स्ट पी का मतलब है प्रिपरेशन, तैयारी जबरदस्त तैयारी करिए आप वेन यू गेट अ टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ गो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि इफ एट आवर्स टू चॉप अ ट्री अगर मुझे आठ घंटे पेड़ को काटने के लिए मिल जाए तो सिक्स आवर्स आई विल शार्पन माई सॉ मैं अपनी आरी को जो है अपने चाकू को छह घंटे शांत धराऊंगा चुखार दूंगा दैट इज व्हाट यू नीड टू डू ट्रिपल पी में सबसे पहला पी है एक्चुअली प्रिपरेशन राइट सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए उसके बाद दूसरे पी का मतलब है परफॉर्म आपको तैयारी के बाद जबरदस्त परफॉर्म करना है उसके बाद लास्ट पी का मतलब है पार्टी जब कहते हैं ना कि जब अच्छा काम हो जाता है तो नाम हो जाता है और नाम के बाद थोड़ा सा जुनून और इंतकाम हो जाता है दैट इज़ वॉट पार्टी इफ यू नीड पार्टी इफ यू वॉन्ट पार्टी इफ यू आर वेटिंग फॉर पार्टी सो जस्ट डू राइट प्रिपरेशन एंड गिव अ सॉलिड परफॉर्मेंस एंड देन यू कैन थ्रो एंड गेट

ऑडियंस पे जितना हो सके ऑडियंस राम राम जी वाली है ऑडियंस शश्रिया काल जी वाली है ऑडियंस आधाब वाली है ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वाली है ऑडियंस जो है कि किस तरीके की है खम्मा गनी है या भालो बाशो है निहाओ है कापा है चाव है चीरियो किस तरीके की ऑडियंस है रिसर्च और ऑडियंस बिकॉज देर आर सेवन बिलियन लगभग सात सौ अस्सी करोड़ इस दुनिया में रहते हैं सात सौ अस्सी करोड़ हर एक तरीके की ऑडियंस आपको मिल जाएगी हर एक तरीके के इमोशन के ऑडियंस मिल जाएगी हर एक तरीके के एजुकेशन के आपको ऑडियंस मिल जाएगी यू हैव टू जस्ट डू अ ग्रेट एंड डीप रिसर्च अबाउट योर ऑडियंस राइट लेट्स कम टू द नंबर थ्री नंबर तीन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर तीन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले अपनी बातों में इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए बात को बनाइए इंटरेस्टिंग और उस बात में हो जाइए इंटरेस्टेड कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू मेक द पीपल क्रेजी फॉर यू अगर आप लोगों को दीवाना दिवा, बनाना चाहते हैं अपना यू फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्रेजी फॉर पीपल आप लोगों के दीवाने बन जाइए इट मीनस इफ यू यूट मेक क्रेजी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल फॉर योर टॉपिक यू बी क्रेजी फॉर दैट टॉपिक आप उस टॉपिक के दीवाने बन जाइए इफ यू मेक people interested in your topic and in your points, you first of all be interested in your points and topics, right? सबसे पहले दीवाना बनाना है दीवाना बनिए फैन बनाना है फैन बनिए चाहत बिखेरनी है चाहत लाइए मोहब्बत लानी है मोहब्बत खुद की टॉपिक में खुद के पॉइंट्स में लाइए महसूस कराना है लोगों को महसूस करिए यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग योर ऑडियंस विल ऑटोमेटिकली फील बिकॉज यू आर फीलिंग दैट राइट सो दैट्स वाई नंबर थर्ड टिप इज एक्चुअली बी इंटरेस्टेड एंड क्रिएट सम इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन इन स्पीचेस लेट टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट right why because it's word selection whenever you select some words like for example i can also say thank you very much sir i can also say uh, sir i just you know i want honor you thank you so much for this great opportunity but i can also replace these sentences and words with different words i can say it's my honor to be here thank you i would like to pay you gratitude i like to uh, give a gratitude to you for this great honor and for this auspicious opportunity thank you so much from the bottom and core of my heart मैं इस तरीके से भी इसको बोल सकता हूं थोड़ा वर्ड का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत मायने रखता है वो जख्म भी दे जाता है मलहम भी दे जाता है वो पट्टी बात भी जाता है पट्टी नोच भी ले जाता है राइट वो किसी को दीवाना बना जाता है तो किसी को जो है है कि आपका परवाना बना जाता दैट्स कोई सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने शुरू में बता दिया कि एक टाइमली वर्ड अपने आप के स्ट्रेस को बहुत लेवल कर सकता है इट कैन किल योर स्ट्रेस इट कैन रिमूव योर स्ट्रेस दैट्स वाई सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फिफ्थ पांचवें नंबर पे आते हैं पांचवा नंबर जो मेरे लिए बहुत ही करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरे लिए बहुत ही खास पॉज 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 रुक जरा सुन ले Yahan hoon main, ruk zara sun le. So a pause can heal you. a Pause can kill you. A pause can attract you. A pause can hypnotize you. A pause can actually make all the people fan for you. A pause can bring well-wishers into your life. A pause. A pause. A pause. Pause is very important. Tere zulfon ki lehrati gla pause lena hai. Tere hasi ki wa parwa pause lena hai. तेरा यूं चहलना तेरा यूं भटकना तेरा यूं गाना तेरा यूं मुस्कुराना तेरा यूं आराम से आना पॉज लेना है जहां पे भी जिस सेंटेंस में जिस पॉइंट में जिस शब्द में आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी पड़े या ज्यादा देनी हो यू हैव टू जस्ट हैव टू जस्ट पॉज आपको पॉज देना है रुकिए तो ठहरिए तो तो रुकना होगा

सामने वाला फील करना चालू कर देगा पॉज सामने वाला फील करना चालू कर देगा सो यू the sixth पॉइंट नंबर छठे पॉइंट पे बात करते हैं और नंबर छठा पॉइंट जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है टोन वेरिएशन नेवर गो इन द सिंगल टोन दैट कॉल्ड मोनो टोन मोनो का मतलब सिंगल टोन का मतलब एक आवाज़ तो एक बदसूरी आवाज में मत बोलिए जैसे वो बोलते हैं जैसे कहीं स्कूल वगैरह में कार्यक्रम होता है मैं आज आपको विद्यार्थी लोग बताना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही जरूरी है आप सब अपना बैग झोला लेके बैठ जाएँ और बैठ के उसके बाद लड्डू खाने का इंतजार करें थोड़ा सा धैर्य रखें तो लाइक दिस यू नो दर्सन इज स्टैंडिंग अपॉन द स्टेज एंड हीजट बोरिंग ऑल द पीपल एंड इज स्पीकिंगल टोन एन दैट सिंगल टोन that will be monotone and your speech will be monotonous speech right so that's why it's really very important for you all to have variations in your tone and tonality the quality in your tone the quality in your accent the quality in your voice the quality in your pitch pace base and it's very very important and when you know this technique when you apply this technique you are going to master communication public speaking skills ladies and gentlemen if you want to master your communication, public speaking skills, you must have a great tonality and the quality of the tone. You can hypnotize and mesmerize and fascinate all the people sitting in your auditorium and in front of you, ladies and gentlemen.

करो सरकार में तो मर ही जाऊंगा पावर ऑफ आइज आंखों की ताकत पावर ऑफ आइज यू टू प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट इज यू आर लुकिंग सो मच पावर वाई एंड जस्ट हेल्प ऑफ आपकी आंखों से रेज निकल रही है रोशनी निकल रही है वो जाके सामने वाले टकले आदमी को बोले तो कनेक्ट कर दे रही है और बोलिए भैया तू तो मुझे सुन तो, तो मुझे देख क्योंकि मेरी आंखें तेरी तरफ है माई आईज आर टूअर्ड्स यू माई आईज आर टूवर्ड्स यू राइट माई आईज आर टूवर्स यू आई एम जस्ट लुकिंग यू आई एम लुकिंग एट यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट लेट्स कम टू द नंबर एट्थ पॉइंट आठवें पॉइंट पे बात करते हैं राइट अब देखिए आठवें पॉइंट पे बात करने का मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्लीट बॉडी मैचअप कंप्लीट बॉडी मैचअप कंप्लीट बॉडी मैचअप आपके कहीं ना कहीं शब्द कभी ज़्यादा निकल जाते हैं तो बॉडी नहीं चल पाती कभी बॉडी ज़्यादा बोलती है शब्द नहीं निकल पाते कभी गाल यूं चले जाते हैं कभी आंखें कहीं और हो जाती है कभी कमर कापने लगती है कभी पैर लड़खड़ाने लगते हैं कभी आप पैंट सही करने लगते हैं कभी शर्ट की वजह की स्लीवस फोल्ड करने लगते हैं तो कंप्लीट एक्चुअली बॉडी मैचअप अगर पैचअप नहीं होगा तो दिस विल स्क्वाइली योर कंप्लीट स्पीच आपकी पूरी स्पीच पूरी पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन को स्क्वाइल और बर्बाद करके रख देगा तो कंप्लीट बॉडी मैचअप is really very very important, ladies and gentlemen. This is my eighth point. ye ये मेरा आठवां hai है तो body match up is really very important. आप कैसे खड़े हैं कैसे अपना पॉज ले रहे हैं कैसे अपना जेस्टर यूज कर रहे हैं कैसा आपका पोस्चर है आई कॉन्टैक्ट कैसा है फेसियल एक्सप्रेशन कैसा है ड्रेसिंग सेंस कैसा है एंड ऑल दीज मैटर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं Right, I hope that you would have understood it. Right, let's come to the ninth point. All right, ninth point is also gonna be very, very important. Right, be always meaningful. बी ऑलवेज मीनिंगफुल हमेशा आप मतलब ही बनिए वो वाले मतलब ये नहीं सेल्फिश वाले मीन वाले मतलब ही यह कि जो आप बात कह रहे हो उसका कोई एक मतलब एक कोई निष्कर्ष एक कोई सॉल्यूशन एक कोई कॉन्क्लूजन निकलना चाहिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो हमेशा एक मीनिंगफुल इंसान बनिए डोंट टॉक नॉन सेंस बकवास मत करिए डोंट वेस्ट टाइम टाइम वेस्ट मत करिए राइट एंड डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग आप कुछ भी ऐसी बात मत करिए बी मीनिंगफुल बी जबरदस्त बी सॉलिड बी इंपैक्टफुल बी पॉइंटफुल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स कम टू द नंबर टेंथ और नंबर टेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली लाइफ एग्जांपल्स अपनी जिंदगी के अपने जीवन के किस्से को उठाइए थोड़ा सा उसको चिपकाइए मसाला मक्खन लगा के उसको डिलीवर कर दीजिए और लोग बड़ा कनेक्ट होते हैं एक बार की बात है मैं आ रहा था गाड़ी में बस में बैठा हुआ था बस में कंडक्टर साहब निकाल टिकट निकालो तो ऐसा कुछ आप बताते हैं विन यू जस्ट टॉक अबाउट दिस स्टोरी और दिस लाइफ इंसिडेंट हैपनिंग्स ऑफ द लाइफ एंड पीपल गेट सो मच इंटरेस्टेड इन यू एंड दे स्टार्ट लिस्निंग यू केयरफुली एंड दे से अ वाहटास्टिक स्पीकर इज टॉकिंग

जाना है दैट इज कॉल्ड कंपेलिंग योर ऑडियंस अपनी ऑडियंस को आपने क्या कर दिया मजबूर कर दिया आफ्टर कंपेलिंग योर ऑडियंस यू विल बी फेमस आप अपनी ऑडियंस को करेंगे मजबूर और हो जाएंगे बहुत ही चंद दिनों और चंद महीनों के अंदर मशहूर और उसके बाद आपको मिलेगी हूर नहीं आपको मिलेगी खाने को खजूर एंड देट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट सो दिस इज वॉट एंड द इलेवन टिप्स आई हैव शेर विद यू टूडे आज जो मैंने आपके साथ ग्यारह टिप्स शेयर किए आई थिंक दीज इलेवन टिप्स आर बी वेरी स्पेशल फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट राइट नाउ फ्रॉम राइट नाउ फ्रॉम जस्ट दिस डे this moment and you are going to master up your communication skills and public speaking skills and you are going to be an effective representative presenter and public speaker right guys thank you so much share subscribe and may god bless you thank you